अच्छा जील, आपने ये सारा जो आपने नॉलेज, इतना डीप नॉलेज बता रहे हो आप, ये आपने पढ़ा है, किसी से सीखा है, या प्रैक्टिकल वे में भी कभी किया है आपने? क्या ठीक आपने है। कभी साधनाएं की हैं? हाँ जी, मैं साधना कर रहा हूँ पिछले काफी सालों से, राइट। मेरे जो एंसेस्टर्स थे उनसे भी मुझे काफी कुछ लाइफ में मिला है, और मेरी लाइफ में जब एक पहले स्पिरिचुअल मास्टर आए थे तब से मैं मेडिटेशन और साधना वगैरह कर रहा हूँ, और ये इवॉल्व होती गई होती गई। अब कुछ लोगों को लगता है कि केवल स्क्रिप्चर्स पढ़ने से ही एक ज्ञान मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है। जब आप एक पर्टिकुलर वे में स्पिरिचुअलिटी को अडेप्ट कर लेते हैं तो चीजें आपके सामने खुद खुलती जाती है। देखो, सारा ज्ञान हमारे शरीर के अंदर ही है, वेद भी यहीं से बना है। ब्रह्मा जी ने जब सोचा तो वही वेद बन गया, और कहते हैं ना, वेदों में सारी चीजों के बारे में बात की जाती है, पूरे ब्रह्मांड की सब चीजें वेद में मिल जाती है। दरअसल ये है कि वेद जो है वही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है वही वेद है। जब ब्रह्मा जी ने सोचा वो वेद बन गया, वो एक ज्ञान है, ठीक है। वेद लिखी हुई पुस्तक नहीं थी जो ऊपर से टपक गई नीचे, वो एक ज्ञान था जो ऋषि मुनियों ने इकट्ठा करके वेद में लिखा। लेकिन वो एक ज्ञान जो ब्रह्मा जी ने सोचा, वही ज्ञान ब्रह्मांड है, वही ज्ञान वेद है। तो दोनों चीजें एक दूसरे में आपको मिल जाएगी, मिल जाएंगे। है ना। तो अब यहीं पर आप अगर देखेंगे तो ये ब्रह्मा जी का कॉन्सेप्ट हो जाए या कोई भी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो जाए, ये धीरे धीरे अगर आप कुछ करेंगे तो धीरे धीरे सोचते 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 आपकी चीजें क्लियर होती जाएगी। हम, है ना, हमारे शरीर से बहुत दूर चले गए। हम कहते हैं हमें स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करनी है। स्पिरिचुअलिटी आपके पास है, आप इससे दूर चले गए, यू टर्न लेके आ जाओ, जो एक्स्ट्रा चीजें उसे साफ करते जाओ और आंसर्स खुलते जाएंगे, है ना। हमारे ऋषि मुनियों को ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में कैसे पता, ये प्लैनेट्स के बारे में कैसे पता, तब तो नासा इसरो नहीं होते थे। बट अगर कोई भी चीज पे आप डीप मेडिटेट करोगे, चीजें संयमा कहा जाता है, तो उसके आंसर्स खुलते जाएंगे। वैसे ही चीजें मैं करता गया, चीजों का आंसर मिलता गया। मंदिर जा रहा, वो एनर्जी जो वाइब्रेशन है वो फील होती गई, उसी वाइब्रेशन से चीजें समझ में आने लगती है तो क्या कैसे हो सबके रहा है। अनुभव अलग नहीं हो सकते जी? क्या पता आपको सबके हो अनुभव सकते अलग हैं, हो और किसी वेरी और ट्रू। को मैं यही अनुभव? कहता हूँ लोगों को कि आप अपने अनुभव से किसी और के अनुभव को कंपेयर मत करो, या अपने को कोई अनुभव हुआ है उसको देखकर ये मत कहो कि सामने वाले को जो अनुभव हुआ है वो गलत है। स्पिरिचुअलिटी सबके लिए अलग अलग तरीके से अडेप्ट हो जाती है। अगर मैं आपको सेम साधना दूंगा जो मैं कर रहा हूँ, आपके लिए अलग काम करेगी, मेरे लिए अलग काम करेगी। इट ऐसा भी डिपेंड्स है ऑन कि काम ना कर्मा, करें? वो भी हो सकता है, राइट। सो बहुत सारी चीजें ऐसे मैटर करती है। सो दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज फॉर मी। आप कौन सी साधना करते हैं, तांत्रिक या सात्विक? देखो, सात्विक तांत्रिक साधना की बात करें तो ये है ना, मिक्स होता है चीजों का, राइट। अच्छा। देर आर सर्टेन डेज, साल में कुछ टाइम होता है जब हमें ऐसी साधना भी करनी पड़ती है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, थोड़ा ब्रह्मचार्य फॉलो करो, खाने पीने पे थोड़ी रोक टोक रखो और वैसी साधना करो। बाकी लाइफ में रेगुलर रूटीन की बात करें तो नॉर्मल साधना आज के टाइम पे तो इनफ है मेरे लिए, क्योंकि आई एम एट दैट स्टेज जहां मुझे पता है कि कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है। बट कोई अगर नया है तो ही हैव टू बी स्ट्रिक्ट विथ हिज साधना की रेगुलर, जैसे नहाते हैं हम शरीर को साफ करने, वैसे साधना करो अंदर साफ करने के लिए। सो मैं एक नॉर्मल साधना अब करता हूँ जो मिक्सचर है सभी चीजों का, जो अब सोशल लाइफ में बताना नहीं चाहिए, तो आई हैव टू कीप इट सीक्रेट। बिल्कुल बिल्कुल सही। जिलिक फिल्म आई थी, हॉरर फिल्म थी, उसमें एक सीन था कि जो हीरोइन होती है उसके ऊपर कुछ ईवल स्पिरिट आ जाती है और पादरी को बुलाया जाता है, वो सब झाड़ फूँक करते हैं, मंत्रों का जो भी उनके यहाँ होता है कल्चर में वो सब करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं होता है। इट लास्ट, ये फिक्शन है, लेकिन यहाँ इसका एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उससे समझी जा सकती हैं चीजें, तो इसको रियल मत समझिएगा प्लीज। उसके बाद जो हीरो होता है वो लास्ट में कुछ नहीं कर पाता है तो वो अपना आंखें बंद करता है एंड वो अपने आप को इमेजिन करता है कि वो हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश कर गया है, जबकि वो नास्तिक बन गया होता है किसी वजहों से। एंड देन वो फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करता है, एंड देन जब वो हनुमान चालीसा करता है ना तो वो एकदम से वो उस एनर्जी क्रिएट होती है और वो इविल स्पिरिट उस हीरोइन से दूर हो जाती है। तो लेकिन कई बार, कई एग्जाम्पल्स हमने रियल लाइफ में ऐसे भी देखे हैं जहां पर हनुमान चालीसा या कोई भी ऐसा मंत्र असर नहीं करता है। तो क्या मंत्र आस्था से संचालित होती है? क्योंकि जब तक वो हीरो देखिए अपने मन में गया नहीं वहां हनुमान मंदिर, उसने जब तक सोचा नहीं कि मेरा फेथ है, तब तक वो चीज काम नहीं करी। तो हनुमान चालीसा कैसे काम करती है? देखो, इसके लिए हमें समझना होगा कि मंत्र क्या होता है, और हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं है। हनुमान चालीसा एक स्तुति है, स्तुति को समझ लीजिए, लाइंस हैं जो लिखी गई है। अब ये हनुमान चालीसा में 40 लाइंस ही क्यों है? शिव चालीसा में भी 40 ही होती है, फंडा क्या है, 40 ही क्यों? तो इसको सोचने की जरूरत है।
तो हनुमान चालीसा कहानियों में ऐसा बताया जाता है, हकीकत तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि अकबर की जेल में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को लिखा था, राइट। तो वहां पर वो जेल में थे और उन्हें मदद चाहिए थी, तो हनुमान जी वो राम जी को मानते थे और राम जी हनुमान जी का रिलेशन हम सबको पता है, तो उन्होंने हनुमान जी को याद करना शुरू किया और याद करते करते उनके अंदर जो भाव था हनुमान जी के लिए वो लिखते गए। अब 40 दिन का ना एक मंडला होता है स्पिरिचुअल वे में, अगर देखे हम साधना भी करते हैं वो 40 दिन 42 डेज ये मंडला होता है। अगर आप वो मंडला में कोई भी चीज अपने दिमाग में रखोगे ना एकदम प्योर वे में तो वो चीज मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हो, है ना। तो वो 40 दिन हनुमान जी को याद करते रहे, 40वां दिन जैसे ही खत्म हुआ, वैसे कहा जाता है कहानियों में कि बंदरों की टोली आई और अकबर के महल में वो पूरा तहस महस करने लगी एक रात में, शायद राजधानी बदल दी। तो अकबर ने कहा कि छोड़ दो, अब तो ये तुलसीदास जी कोई आम नहीं है, ये कोई बड़ा है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है भगवान के साथ इनका। ऐसी सारी कहानियां बताई जाती है, हकीकत तो हमें नहीं पता, लेकिन आप देखो कि जो तुलसीदास जी के अंदर का भाव था इतना स्ट्रॉन्ग भाव 40 दिन तक रहा जो वो लिखते गए। तो हनुमान चालीसा कहाँ से आई है? भाव से आई है, आस्था से आई है। लेकिन मंत्र में ऐसा नहीं होता है। मंत्र, अब देखो कुछ मंत्र तो ऐसे हैं जिसके मतलब भी नहीं होते। अब तांत्रिक के मंत्र सुनोगे फट हम स्वाहा ये सारे होता है, इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो वो एक ऐसा साउंड है जो उनके अंदर से उन्हें साधना करते दौरान मिलता है। अच्छा, राइट। वो बनाते नहीं है, लाइन्स तो बनाई गई है, अवधि लैंग्वेज में हनुमान चालीसा लिखी गई है। तो हनुमान चालीसा एक भाव एक आस्था से काम करती है। इतने सालों से लोग कहते आए हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, लाइंस भी आती है हनुमान चालीसा में ऐसी जहां भूत प्रेत भाग जाते हैं। तो इतने सालों से हमारे जीन्स में हमारी कॉन्शियसनेस में ये बैठ चुका है कि हनुमान चालीसा करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। अब भूत प्रेत अगर है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिमाग से वो भाग गया तो भूत प्रेत बाहर से भाग गया। हकीकत यह है कि कभी भी कोई भी आत्मा जो शरीर से बाहर चली जाए और अगर वो हो भी यहाँ तो भी वो ह्यूमन को इतना हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि अच्छा। उस आत्मा के लिए उस शरीर की जरूरत है तभी उसके अंदर वो शक्ति आएगी, वरना नहीं आएगी। ये सब हमारे माइंड का इल्यूजन है और इस इल्यूजन को क्लियर करने का काम है हनुमान जी का। और इतने सालों से हनुमान चालीसा चली आ रही है तो वो बस इसी लोगों के थॉट से ही वो सिद्ध हो गई, एक्टिवेट हो गई और वो आज इतनी पावरफुल काम कर रही है। बस उसको करने से ही तुम्हारी आधी चीज हो जाती है। आपने कहा कि जो हनुमान चालीसा है और मंत्र है दोनों अलग है, दोनों का विज्ञान भी अलग है। तो मंत्र भी तो हमारे वेदों से ही आए और वेद भी ऋषि मुनियों ने ही लिखे हैं। और अगर हम महामृत्युंजय मंत्र देखें तो मार्कंडेय ऋषि जी ने उसकी रचना करी थी, जब उनको जब वो शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए थे कि भैया मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं तो नहीं जा रहा युवराज तुम्हारे साथ। तो वो भी तो किसी भले वो बहुत महान ऋषि थे पर रचना तो करी ना उन्होंने भी, तो मंत्र और चालीसा कैसे अलग है? अच्छा, मैं समझाता हूँ। देखो महामृत्युंजय मंत्र की जो रचना हुई है, ठीक है, आप महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी मंत्र ले लो, हमारे वेदों में कहा गया है कि जब भी किसी मंत्र को आप गाते हैं जब भी किसी मंत्र का जाप करते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि किस ऋषि से आई है। ऐसा क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जितने भी मंत्र है, मान लो मार्कंडेय एक योगी है या कोई भी योगी होंगे जिन्होंने मंत्र अपनी लाइफ में साधना करते समय अपने अंदर खोजे होंगे। अब वो मंत्र जो है अलग अलग सिचुएशन में लोगों को मिलते जाते हैं, अलग अलग कारण के लिए मंत्र मिलते जाते हैं। तो अब वो मंत्र आप, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है मंत्रों की, बहुत सारे मंत्र हैं कल्चर में। कोई भी मंत्र हम उठा के जाप नहीं कर सकते हैं, है ना। वो मंत्र कोई और एनर्जी कोई और काम के लिए बना होगा, हम उसे यूज करेंगे तो वो पूरा हमारे लिए अलग हो जाएगा। क्योंकि मंत्र में भी 3 प्रकार होते हैं, तामसिक मंत्र, राजसिक मंत्र, सात्विक मंत्र। अब किसी को मैरिज का प्रॉब्लम है और वो अगर मान लो सात्विक मंत्र करने लगेगा तो मैरिज एक राजसिक चीज है, उसके लिए सात्विक मंत्र काम नहीं करेगा। तो इस वजह से ये डाउट को दूर करने के लिए हमारी माइथोलॉजी के अंदर कहानियों में बताया गया है ये सारे मंत्रों के बारे में। तो मार्कंडेय की जो कहानी है वो एक योगी होंगे पहले जो रियालिटी में एक ह्यूमन होंगे, ठीक है। तो उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी जब उनके अंदर से महामृत्युंजय मंत्र बनाते नहीं है, उनके भाव से ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में तो इंसान अवेयर होता है अपने अंदर, कॉन्शियसनेस उसकी बाहर नहीं होती, अंदर होती है। तो अंदर से जो आवाज आती है जिसे अनाहत साउंड कहा जाता है, तो वो एक मंत्र बन गया। अब उसको लोगों तक पहुंचाए कैसे कि लोग उसका गलत उपयोग ना करें, इस वजह से सारे मंत्रों को एक ऋषि के साथ जोड़ दिया गया और उनकी कहानी बना दी गई। तो अब महामृत्युंजय मंत्र कर्म के लिए काम करता है, आपको हीलिंग करने के लिए काम करता है। तो उसकी कहानी देखो बनाई, जब मार्कंडेय को जो यमराज है वो लेने आए, तो मार्कंडेय के जो यमराज कर्म के भगवान है, ठीक है, वो मौत के भगवान नहीं, हम गलत समझते हैं।
यम का मतलब होता है लिमिट करने वाले। तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारे जितने भी कर्म हमने इकट्ठा किए हैं पास्ट लाइफ से और इस लाइफ में, वो देखते हैं कि कितने हमारे कर्म है, जिसे संचिता कहा जाता है, पूरा एक वेयर हाउस होता है कर्मों का, उसमें से कुछ निकाल के वो हमें इस लाइफ में देते हैं, जिसे प्रारब्धा कर्म कहा जाता है। तो इसी वजह से डिसाइड होता है कि तुम्हारे अगर इतने प्रारब्धा दिए तो तुम 80 साल जियोगे। नेचुरल डेथ कैसे डिसाइड होती है, कुछ लोग 80 साल, कुछ लोग 90 साल, तो वो यमराज डिसाइड करते हैं। तो यमराज कर्म के भगवान है। तो मार्कंडेय को वो लेने आए, तो यहाँ कर्म के बारे में समझाने के लिए कि ये मंत्र कर्म का है, इस वजह से मार्कंडेय ऋषि के साथ महामृत्युंजय मंत्र की बात कहानी हमें बताई जाती है। तो हनुमान चालीसा में तो वो अपने भाव से उत्पन्न करके लिख रहे थे जब वो एक प्रॉब्लम में थे, बट हियर द कॉन्शियसनेस इज इनसाइड, और तब जाकर एक आवाज अंदर से आई, जिसे अनंत आवाज लोग कहते हैं, जिसे हमारे स्पिरिचुअल वे में अनहत साउंड कहा जाता है। सो दैट इज द थिंग।